ये रहा हमारा पहला लोडिंग स्क्रीन। अगर इसमें आप ऑफलाइन मोड में जाएंगे तो आपको ट्यूटोरियल और जॉम्बी प्रैक्टिस मोड मिल जाएगा। मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक करता हूँ तो यह ट्यूटोरियल लोड होने लगता है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई है कैसे आप इस गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। Oh my God! Wow! इस ट्यूटोरियल को आप स्किप भी कर सकते हैं। राइट साइड के अपर कॉर्नर में आपको एक स्किप ट्यूटोरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसे पार करना चाहते हैं तो आपके इस दरवाजे पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसे कंप्लीट कीजिए। ये दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर बात करें जॉम्बी मोड की तो उसमें भी आप फेज बाई फेज देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे जॉम्बीज स्पॉन होंगे, उससे आपको फाइट करनी होगी। फेज वन में थोड़े कम जॉम्बी आएंगे, जैसे जैसे फेज बढ़ते जाएंगे और सही जॉम्बी बढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स में आपको जनरल सेटिंग्स में सेंसिटिविटी, म्यूजिक वॉल्यूम, इफेक्ट वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्राफिक सेक्शन में आपको शैडो, लाइट, रिफ्लेक्शन, FPS आदि को कंट्रोल करने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट के रिफ्लेक्शन के लिए अलग सेटिंग और ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के लिए अलग सेटिंग मिल जाता है। जैसे इन्वायरमेंट में हो गया क्लाउड और ऑब्जेक्ट में हो गया आपका करेक्टर। लेफ्ट साइड में आपको नीचे मिल जाएगा कस्टमाइज कंट्रोल का ऑप्शन। इसमें से आप अपने कंट्रोल्स को जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं। उसके बाद रिसेट का भी ऑप्शन देता है, जिससे आप पहले जैसा था वैसा कर सकते हैं। ऊपर राइट में क्रेडिट्स में आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक लिया गया है। इसका साइड कुछ आपको इस तरह दिख जाएगा। Just cool into the mouth. Nice. इसमें आपको रूम क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट सिंपली क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करें, अपना रूम का नाम डालेंगे और तो आपका रूम क्रिएट हो जाएगा। इसमें तीन मैप हैं, आप इसमें मैक्सिमम प्लेयर भी सेट कर सकते हैं। इसमें आपको 6 डिफरेंट तरह के मोड देखने को मिल जाएगा। ओपन डेथ मैच, ओपन टीम डेथ मैच, डेथ मैच, टीम डेथ मैच, सर्वाइवल, टीम सर्वाइवल। आप जो चाहें सेलेक्ट करके खेल सकते हैं। सर्वाइवल में आपको कितनी बार लाइफ चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं। सर्वाइवल में आप जितनी लाइफ सेट करेंगे आप उतनी बार ही रिस्पॉन होंगे, उसके बाद मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन डेथ मैच में जितनी आपको टाइम सेट करने को मिल जाएगा, टाइम आप 5 से 10 मिनट के बीच सेट कर सकते हैं। उतने बार आप लगातार रिस्पॉन होते रहोगे जितने बार जिससे बैक पेज की तरफ चलते हैं। और इसमें आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हैं। दोस्त को एक लॉबी बनाने कहिए और उस लॉबी का नाम सर्च कीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। उससे आप अपने दोस्त के लॉबी में चले जाएंगे और आप उनके साथ खेल भी सकते हैं। फिर से आप बैक लॉबी में आकर प्लेयर पे टैप कीजिए, जिससे आप अपने लेवल, रैंक और स्टैटिस्टिक को जान सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे करेक्टर मिल जाएंगे, जिससे आप अपना लेवल बढ़ाकर पा सकते हैं। ये लेवल 5 पे अनलॉक होता है। ये आपको फिर ये भी लेवल 5 पे ही अनलॉक होगा। ये 8-10 अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग करेक्टर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मैप्स की। तो आपको पहला मैप बायोमास देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 जगह देखने को मिल जाएगी। जिसमें पहले में पत्ते झड़ते रहेंगे। ये ऑटमन सीजन चलता रहेगा, इसमें विंटर सीजन चलता रहेगा और इसमें स्प्रिंग सीजन चलता रहेगा। लेकिन सीजन आपके गेम प्ले पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, दूसरा मैप है रूफटॉप। इस पर आपको 4 छत मिल जाएंगे। और हमारे तीसरे मैप का नाम है वोल्केनो। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि इसमें आपको एक वोल्केनो नाइक इन्वायरमेंट मिलेगा। ऊपर आपको लावा भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें गिरने पे आप डेथ हो जाओगे। जहाँ तक रह गए वीपन की बात, यहाँ पे 6 अटैकर वीपन, 2 डिफेंडर वीपन, 1 फ्लाइंग जेट मिल जाएंगे। हमारा पहला अटैकर वीपन है ग्रेनेड, जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति पर फेंक कर उसे मार सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिफिनेट टाइम मिलेगा, आप उसे फेंकेंगे तो वह डिफिनेट टाइम पर जाकर फूट जाएगा। नंबर पर आता है नाइस, आप इसे किसी भी व्यक्ति पर चला कर मार सकते हो। इसके 2 शॉट में एनिमी डाउन हो जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल बटन है जो आपको सीधा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा राइट साइड में। हाँ, तीसरा वीपन है मोलोटॉव। अब मोलोटॉव अगर किसी भी व्यक्ति पर फेंकते हैं तो वह धीरे धीरे डैमेज लेने लगेगा, कुछ सेकंड के बाद वह मर जाएगा। हमारा चौथा वीपन है इलेक्ट्रिक जंप। अगर आप इसे भी किसी भी व्यक्ति पर फेंकते हैं तो वह काफ़ी देर तक उछल जाएगा। अगर इस आपको पता है कि अगर इस मैप की अगर आप बाहर जाएंगे तो आप मर जाएंगे। जैसे आप, मैं मर चुका हूँ। यह मैप सिर्फ 4 ही बिल्डिंग का है, यानी कि आप इस 4 बिल्डिंग के छतों पर जा सकते हैं और किसी बिल्डिंग के छत पर नहीं जा सकते। अगर आप इसे खुद पर ट्राई करते हैं तो आप भी उछल जाओगे।
ये आपको भी मार सकता है। तो हमारा पांचवा भी बन निकल के आता है रॉकेट लॉन्चर। आप इसे किसी भी जगह पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसे लेफ्ट साइड में एक फायर बटन होगा, उसे आप क्लिक करके इसे रॉकेट फायर करवा सकते हैं। आप इसे किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं, जैसे अगर आपके सामने वहाँ पे है तो वहाँ पे भी मार सकते हैं, इधर इधर। तुम्हारा पांचवा भी निकल के आता है रॉकेट। जैसा पिछला बार आपने देखा कि रॉकेट लॉन्चर जैसा सेम टू सेम वैसा ही रॉकेट ये भी फेंकता है, जैसे आप इसे दौड़ते हुए या रनिंग करते हुए भी चला सकते हैं, लेकिन उसे आप एक जगह पर बैठ कर चला सकते थे। और हमारा लास्ट निकल गया था फ्लाइंग जेट, जिसे आप किसी भी जगह पर लेकर जा सकते हैं, या इसके द्वारा आप कहीं पर भी जा सकते हैं मैप के अंदर। हमारा पहला डिफेंस वीपन निकल के आता है शील्ड। इसे यूज करने के लिए हमें राइट साइड में एक बटन मिल जाता है, जिसे अभी एक शील्ड की तरह ही है। इसके द्वारा आप किसी भी वीपन से बच सकते हो मोलोटॉप को छोड़कर। एक और बात कि यह शील्ड आपको तभी बचाएगा जब कोई व्यक्ति आपके सामने से हमला किया हो। अगर पीछे से कोई नेट करे तो आपको यह शील्ड नहीं बचाएगा। हमारा दूसरा डिफेंस बीकन निकल के आता है हेमिस्फेरिकल शील्ड। इसके अंदर आपको कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता। जब आप पे कोई नेट करेगा तो यह शील्ड उसको रोक लेगा, लेकिन आप अगर इसके बाहर आ जाओ तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते। आपको दूसरा हेमिस्फेरिकल शील्ड लगाना होगा। तो ये थी गेम की पूरी रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है वीडियो को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। It's cool, just cool, into the mouth.